शाजापुर पुलिस अधीक्षक शाजापुर एवं एसडीओपी शुजालपुर के निर्देशन में अकोदिया थाना क्षेत्र में जुआ खेलते आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अकोदिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर द्वारा थाने में टीम गठित कर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम फूलन में तीन अलग अलग स्थानों पर ग्राम फूलन के मंदिर के पास, शासकीय स्कूल के पास व फूलन रोड पर दबिश दी गई, जहाँ से राहुल पिता करण सिंह मेवाड़ा, भागीरथ पिता देवी सिंह मेवाड़ा, दीपक पिता बाबूलाल शर्मा, नरेंद्र पिता बाबूलाल शर्मा, वीरेंद्र पिता कमल सिंह मेवाड़ा, भगवान पिता सौभाग्य सिंह मेवाड़ा, राम सिंह पिता जगदीश मेवाड़ा, जीवन पिता चंद्र सिंह मेवाड़ा, सुजान पिता हिम्मत सिंह मेवाड़ा, सितार पिता मुबारक खान, बनी सिंह पिता नाथू सिंह मेवाड़ा, विनीत पिता रमेश चंद्र सोनी, राजेंद्र काथिया पिता कांता प्रसाद, लखन मेवाड़ा पिता कुमार सिंह मेवाड़ा, सर्वफुली निवासी 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास 5,200 नकदी व ताश के पत्ते जब्त कर आरोपी के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर, सचिव उपनिरीक्षक लखन लाल वर्मा, सचिव उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह सेगर, कार्य प्रभारी विपिन तोमर, आरक्षक बलराम यादव, आरक्षक शुभम रघुवंशी, आरक्षक रवि रघुवंशी, आरक्षक सुनील पाल, आरक्षक अंकित, आरक्षक तेज सिंह, सैनिक जमुना प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की यह रिपोर्ट।